भी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी है से ही हम लोगों की थोड़ी ड्राई के टूवर्स जाने लगती है जो बहुत ज्यादा ऑयली वाले होते हैं उनका ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाता है ऑयली कॉम्बिनेशन हो जाते हैं कॉम्बिनेशन ड्राई हो जाते हैं ड्राई एक्सट्रीमली ड्राई हो जाते हैं एंड काफी लोगों की स्किन तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हो जाती है तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विंटर स्किन केयर रूटीन की मेनली मॉर्निंग स्किन केयर होगा नाइट भी सेम ही रहता है एक दो स्टेप अलग होते हैं लेट मी नो अगर वो भी शेयर करना है तो मैं कर दूंगी एंड मैंने आज की वीडियो में आई विल बी यूजिंग द प्रोडक्ट्स जो मेरे फेस को सूट करते हैं बट मैं हर एक स्टेप के लिए आप लोगों को ऑल्टरनेटिवस दूंगी अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन हो या ड्राई स्किन हो एंड येस इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कीप ऑन वाचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू न्यू टू माई चैनल प्लीज टेक आउट अ मोमेंट एंड हिट दैट रेट सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल Right next to it so that every time I upload a new video, you get notified. Now without any further blabbering, let's just dive right into the video. तो सबसे पहला स्टेप हमेशा स्किन केयर का होता है क्लेंजर एंड मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है एंड आई यूज दिस डॉटन की सीका कामिंग ब्लेमिश क्लियरिंग फेस वॉश ये फेस वॉश काफी ज्यादा जेंटल येट गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन टाइप है लाइक मेरी स्किन ऐसी है कि विंटर्स आते आते हैं मतलब जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो मेरी स्किन कॉम्बिनेशन के तरफ जाने लगती है बट अगर मैं अपने एक्ने को बिल्कुल निगलेक्ट कर दूँ तो फिर मेरे एक्ने होने लग जाते हैं मैं अपना फ़ेस वॉश हमेशा एक सैलिसिक बेस फेस वॉश रखती हूँ जो समर्स में मैं थोड़े से यू नो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेस वॉश यूज़ कर लेती हूँ बट विंटर्स में मैं ऐसा एक जेंटल सा फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ एंड अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन टाइप हो तो आप ये सिंपल का

बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप बस ये देखो कि वो टोनर हाइड्रेटिंग हो थोड़ा सा और यू you नो know, अगर आपको टारगेटेड भी चाहिए तो आई थिंक सीरम्स काम कर जाते हैं लाइक एक्ने के लिए ब्लेमिश के लिए तो टोनर जस्ट यू you नो know, हाइड्रेटिंग एंड कामिंग सा हो फेस के लिए स्पेशली विंटर्स में तो मैं ये वाला टोनर सभी सारे स्किन टाइप्स को रिकमेंड करूँगी दिस इज़ द बायोक्यूल का सीका एंड कैमोमाइल कामिंग सूदिंग टोनर इसमें लिखा है कि दिस इज फोर ड्राई सेंसिटिव स्किन बट मेरी ऑयली स्किन है मेरे को भी ये सूट कर रहा है मैंने इसे इस मिस बॉटल में डाल लिया है एंड ऑयल स्प्रे इट ऑल ओवर माई फेस एंड इट फील्स सुपर सुपर हाइड्रेटिंग एंड कामिंग लाइक इवन फेस शेव करने के बाद भी ये वाला टोनर काफ़ी ज़्यादा कामिंग लगता है एंड मैं इसको ऐसे ऐसे अपने फिंगर्स की मदद से स्प्रेड एंड पैट कर लेती हूँ ताकि मेरी स्किन पर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए एंड आफ्टर दैट द थर्ड स्टेप इज सीरम नाउ सीरम्स आर समथिंग जो कि आप अपने टारगेटेड कंसर्न के हिसाब से यूज़ करोगे लाइक इफ़ यू फील योर स्किन इज डार यू कैन यूज वाइटमिन सी यू कैन यूज एल्फाबिटिन इफ यू हैव डार्क स्पॉट्स बट विंटर्स के लिए ये दो सीरम्स सारे स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छे जाएंगे इफ यू आर ऑयली स्किन गो फॉर नायासिनमाइड सीरम एंड इफ़ यू आर लाइक कॉम्बिनेशन तो आप ये दोनों यूज कर सकते हो नायासिनम और हाइलोरॉनिक एसिड एंड अगर आप ड्राई स्किन टाइप हो तो हाइलुरानिक एसिड वुड बी द बेस्ट पिक एंड मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ नीचे लिंक कर दूँगी तो मैं नाया मॉर्निंग में हाइलोरॉनिक स्किन को कर देता है एंड बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन देता है पूरे दिन आप बाहर जाते हो पोल्यूशन है ड्राइनेस हो जाती है स्किन में तो इससे आपकी स्किन का जो वॉटर और मॉइस्चर है ना वो लॉक होके रहता है तो इट इज रियोली रियली गुड अब बट ने जो की होने वाला है मॉइस्चराइजर ये मॉइस्चराइजर मुझे मेरी नाइक की सेल में आ, ये सैम्पल की तरह से मिला था नाइका या अमेजोन कहीं से तो मुझे ये एक सैंपल फ्री आया था एंड दिस इज द लॉरियल का रिवाइट लिफ्ट क्रिस्टल फ्रेश हाइड्रेटिंग जेल क्रीम नाउ इसमें सालिसक एसिड है बट इस क्रीम uh, का जो फॉर्मूलेशन है ये मेरी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है एंड ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया लाइक like, लॉरियाल की जो रिवाइट लिफ्ट रेंज है ये काफ़ी ज़्यादा यू you नो know, वायरल भी हुई थी बीच में स्पेशली इसका जो हाइलोरॉनिक एसिड वाला क्रीम है वो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया था बिकॉज आई डोंट नो बस मैंने नहीं किया एंड मैं इस क्रीम को जब से यूज़ करना शुरू की हूँ आई कैन नॉट गो बैक टू एनी अदर क्रीम एंड आई रियली यू वॉन्ट टू बाय इसका फुल साइज बट मेरे पास अभी इतने सारे मॉइस्चराइजर स्टॉक में पड़े हुए हैं कि मैं उनको एक्सपायर नहीं करना चाहती बट वंस आई गेट यू नो डन विद ऑल ऑफ दोज मैंने फुल साइज मंगाने वाली हूँ इफ़ यू आर लाइक लुकिंग आउट फॉर गुड मॉइस्चराइजर इसका जो बड़ा तब है आई थिंक वो फोर फिफ्टी या फाइव हंड्रेड का आता है अमेजोन पर आपको सेल पर भी मिल जाएगा तो आप ज़रूर खरीद लेना इससे आपकी स्किन लिटरली इसको लगाने के बाद जब यह अब्जॉर्ब होता है ना स्किन में योर स्किन फील्स लाइक अ बेबीज बम आई डो नॉट नो कि इसमें ऐसा क्या है बट माई स्किन फील सो 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 सॉफ्ट आफ्टर आई यूज़ दिस पहले मुझे ऐसा लगा था कि मे बी इट इज़ जस्ट लाइक मेरा एक गुड स्किन देता बट नो इसके बाद मैं हर दिन इसको लगा के यही चीज़ नोटिस कर रही हूँ लाइक इवन ना नाउ इट इज़ अब्जॉर्ब इन टू माई स्किन एंड मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट लगते है लाइक आई जिस कॉन्ट स्टॉप आई कैंट रेजिस्ट ट्रम यू नो टचिंग माई स्किन एंड फीलिंग हाउ स्मूथ लुक्स तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बट इफ़ यू आर कॉम्बिनेशन स्किन आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ द सुगंधा का सेरेमाइड वाला मॉइस्चराइजर इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट बट बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग है उसमें आई थिंक सेरेमाइड और स्कॉलेन है एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर बैरियर रिपेयर एंड वेरी गुड टू मॉइस्चराइजर स्किन इन विंटर्स बट इफ़ यू आर ड्राई एक्सट्रीमली ड्राई स्किन टाइप तो आप सुगंधा का ये ओट क्रीम यूज करना इट हैज़ दैट ऐसे ड्राई ड्राई नहीं लगेगी एक मक्खन जैसी स्किन हो जाती है इट इज सच अ गुड मॉइस्चराइजर डेफिनेटली चेक दैट वन आउट नाउ मूविंग टू आर नेक्स्ट स्टेप विच इज सनस्क्रीन नाउ अगेन सनस्क्रीन भी हर स्किन टाइप के लिए अलग आती है बट आई वुड से लाइक अगर वो नॉन कमीडोजेनिक है एंड यू नो लिटिल बिट हाइड्रेटिंग एंड यू डो नॉट माइंड दैट ग्लो तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑयली स्किन के लिए भी मैं ये सनस्क्रीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है एंड माई इज़ अ ड्राई स्किन टाइप इवन शी लव्स दिस तो इसमें सेरामाइड्स और वाइटमिन सी है इसमें पूरा पी ए वगैरह बहुत अच्छी ये सनस्क्रीन है तो आई वुड रिकमेंड दिस सनस्क्रीन फॉर ऑल स्किन टाइप्स बट अगर आपको अलग अलग लाइक like, पर्टिकुलर अपने स्किन कंसर्न के लिए चाहिए तो आई वुड से इफ यू आर एन ऑयली स्किन टाइप गो फॉर द रिक्वल की मैट सनस्क्रीन इफ यू आर अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप गो फॉर प्ला

तो मैं अपना एक्ने को टैकल करने के लिए अपना मॉइस्चराइजर सेलिस बेस रख लेती हूँ या फिर अपना फेस वॉश बट फिर मैं मॉइस्चराइजर uh, या सनस्क्रीन इन दोनों में से कोई एक चीज हाइड्रेटिंग लगा लेती हूँ तो फिर मेरी स्किन पे मॉइस्चर भी अच्छे से रहता है एंड मेरे आंकने भी कंट्रोल में रहते हैं एंड लुक एट द ग्लो जो इस सनस्क्रीन ने मुझे दिया आई लव दिस सनस्क्रीन इज माय करंट फेवरेट नाउ ऑन टू द लास्ट स्टेप जो कि है एक लिप बाम मेरे बहुत सारे फेवरेट लिप बाम्स हैं आपको अगर एक फुल यू नो फेवरेट लिप बाम्स की वीडियो चाहिए तो कॉमन डाउन बिलो बट आजकल मुझे ये वाला विंटर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है ये है सुगंधा का कैलिनजला लिप बाम ये नॉन टेंटेड है तो मैं इसे दिन रात में यूज कर लेती हूँ जब मैं बाहर कहीं जाती हूँ तो मैं इसको लगा के फिर इसके ऊपर लिप टेंट या लिप ऑयल लगा लेती हूँ इट इज़ वेरी वेरी थिक एंड बामी मतलब जैसे लिप बाम आजकल जो आ रहे हैं ना जो टेंटेड वगैरह भी है थोड़ा इससे ना बहुत लाइट uh, होता है लिक्विड लिक्विड से होते हैं ना तो वो जल्दी हट जाते हैं एंड uh, कुछ खाया तो हट जाते हैं ये एकदम थिक बाम है लाइक लिटरली इट इज अ लिप बाम एंड मैं इसको जब लगाती हूँ इट्स स्टिक्स एंड क्लिंग्स टू माई लिप्स लाइक नथिंग एल्स एंड मैं कुछ भी खा लूँ कुछ भी कर लूँ ये लिप बम नहीं हटता है इट इज सुपर 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 मॉइस्चराइजिंग एंड मेरे लिप्स से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहते हैं सो इट हैज़ कोको बटर सनफ्लावर ऑयल एवोकाडो ऑयल ओबा ऑयल एंड बीज वैक्स ठीक है तो ये तो एक बेसिक स्किन केयर रूटीन है फॉर ऑल स्किन टाइप्स इन विंटर बट अगर आपको ऐसा लगता है कि इतने से भी आपकी स्किन का यू नो मॉइस्चर नहीं जम रहा है एंड यू नीड एन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट टू जस्ट उम्फ योर स्किन केयर रूटीन इन द विंटर्स तो आप यूज़ कर सकते हो एक फेस ऑयल फेस ऑयल अगर आप यूज़ करोगे तो आप सनस्क्रीन से एक स्टेप पहले यानी मॉइस्चराइजर के बाद यूज़ करोगे एंड लाइक आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ फेस ऑयल्स बिकॉज मुझे मेरा फेस मॉइस्चराइजर्स सनस्क्रीन से अच्छे से हाइड्रेट करना या हाईलोरानिक एसिड आई डो नॉट लाइक दैट ऑयली वाला फीलिंग ऑन माई फेस बट मैंने प्लम का हेम्पसीड ऑइल यूज़ किया था इट इज़ मेन्ट फॉर एक्ने प्रोन् स्किन एंड इट इज़ रियली रियली गुड बट अगैन इट इज़ अ प परसनल प्रेफरेंस मुझे फेस ऑयल्स पसंद ही नहीं आते हैं तो फिर मैं नहीं यूज़ कर सकती हूँ बट इफ़ यू आर एन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन तो आप हेमसीड ऑयल ट्राई कर सकते हो इफ़ यू आर अ कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन टाइप लुकिंग आउट फॉर फेस ऑयल तो स्कोलिन वाले ऑयल्स ना आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे मैं नीचे लिंक कर दूंगी जो मुझे अच्छे लगे हैं इन द पास्ट फॉर माई मॉम बिकॉज मैं तो नहीं लगाती हूँ शी यूज फेस ऑयल बिकॉज शी इज अ ड्राई स्किन टाइप एंड येस दिस वॉज ऑल फॉर टू वीडियो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो So, like, comment, uh, share, and subscribe to the channel. And hit the notification bell right next to it so that every time I upload a new video, you get notified. Now, I will see you super, super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye. -bye.